तो वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि आज क्या होने वाला। तो इतना अच्छा बाइकर मिल रहा तुम्हें यार जम्मू कश्मीर से, सब बाइकर जम्मू कश्मीर में अच्छे थोड़ी होते हैं। ओहो भाई साहब, एक बूढ़ा इंसान में बहुत तेज भाग भाग के आता है भाई, अगर मेरी ब्रेक नहीं लगती लिटरली गाइस अभी क्रैश हो जाता, बहुत ही गंदा वाला क्रैश। गाइस आप लोगों के लिए एक और चीज बता दूं यार, मैं जल्दी से अपने टायर्स और अपनी एक राइडिंग जैकेट नहीं लेने वाला हूँ। हाईवे पे क्विक शिफ्टर यूज नहीं है तो कहाँ पर किया, तो आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा क्विक शिफ्टर का भी प्रदर्शन। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। फाइनली गाइस आज मैं आ रखा हूँ यार वापस जम्मू, एंड हमने कर दी टंकी में डाल दिया है हमने पेट्रोल, करते हैं फर्स्ट गियर पे, चलिए पेट्रोल बढ़िया है। आपको चीज़ें बता दूं कि एक हफ्ते से वीडियो क्यों नहीं आई है, एक हफ्ते से वीडियो इसलिए नहीं आई है क्योंकि भाई लोग और बहन लोग, तो बेसिकली यार मैं कल ही देहरादून से आया हूं और आज मैं निकला हूं बाइक लेके बाहर क्योंकि यार वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आप लोगों को कंटेंट नहीं दूंगा तो भाई अपना कैसे चलेगा भाई। ओहो भाई साहब, इतने टाइम बाद 390 हाथ में पकड़ी है, ऑलमोस्ट एक डेढ़ हफ्ता हो गया मेरे को बाइक पकड़े हुए, तो ऐसा लग रहा है कि रॉकेट पकड़ लिया है भाई मैंने हाथ में। को थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता देता हूँ कि यार मैं देहरादून गया था, मेरा कॉलेज का कॉन्वोकेशन था एंड जो कॉलेज का कॉन्वोकेशन क्या था कि यार मेरा लास्ट ईयर था, खत्म वतम सब हो गया एंड डिग्री वगैरह निपटा के, तो वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि आज क्या होने वाला। तो आज हम टेस्ट करेंगे यार 0 to 100 या मतलब कौन से गियर में कितनी स्पीड जाती है वो थोड़ा पता करेंगे यार, अपनी 390 में BS6 में कितनी पावर है। बता दूं भाई मैंने इसके अंदर कुछ भी इंटरनल मॉडिफिकेशन नहीं करा रखे, मतलब ना ही मैंने ECU वगैरह रीमैप करा, कुछ भी नहीं करा, नॉर्मल अपनी स्टॉक के अंदर से पूरी। तो जितने मेरे साथ बाइकर लोग होंगे ना उनको पता होगा बाइक अगर आप इतना टाइम बाद चलाते तो कैसी फीलिंग आती है, ऐसे लगता है कि कुछ अधूरा जो था ना वो पूरा हो गया है। और आज हमें मिलने वाले हैं सिद्धांत भाई जिनके पास डोमिनार 400 है, उनके एक और भाई आ रहे हैं जिनके पास बुलेट है रॉयल एनफील्ड की, तो देखते हैं कैसा सीन रहता है, जितना भी मेरे को लग रहा है बहुत बढ़िया होने वाला है। बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे थे यार हर वीडियो से पहले मैं पेट्रोल क्यों भरवाता हूँ, गाइस 390 है यार, 390 में पेट्रोल नहीं भरा, क्या भरा, शराब भरा देता हूँ इसमें मैं, देखते हैं कितनी भागेगी, फिर तो भाई ये मेरे बिना भागेगी। तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन लोगों को पता होगा कि भाई मेरा कॉन्वोकेशन कैसा रहा, क्योंकि सारी डिटेल्स मैंने कॉन्वोकेशन की या तो जितना भी मेरा कॉन्वोकेशन में क्या क्या हुआ एंड हम लोगों ने कैसे वहाँ पे टाइम स्पेंड किया वो सारा आपको पता चल जाएगा अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो। और जो लोग पहले से करते हैं थैंक यू सो मच यार इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आपके एक एक फॉलो से एक एक सब्सक्राइबर से इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, मन करता है वीडियोस डालते रहो। और गाइस आप मानोगे नहीं, आपको एक सबसे खतरनाक चीज़ बताता हूँ, जो मेरा कॉन्वोकेशन था ना कॉलेज का, ऐसा ड्रेस कोड हमें बोला गया पहनने के लिए कॉन्वोकेशन के दिन पे जो आपने कभी देखा नहीं होगा भाई, हमें बोला सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के आ जा। चलिए गाइस ऐसा लग रहा था कि यार जैसे मैं कॉलेज में एंटर किया ना सबके सब लॉन्डों ने भाई सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन रखा था इंक्लूडिंग मी, तो ऐसे लग रहा था कि यार मैं कहां आ गया, किसके चौथे वादे पे आ रखा हूं क्या भाई। गाइस अब मैं जा रहा हूं सिद्रा की तरफ एंड ये जो रोड जाता है सिद्रा की तरफ ही जाता है मेरे घर के बहुत पास में। तो गाइस यार आप मानोगे नहीं अभी हुआ क्या, मैं अभी चला रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा आगे जाके सिद्रा का रोड जब शुरू हो जाएगा तो आपको बढ़िया से दिखाऊंगा, सिटी के अंदर अंदर क्या ही दिखाना है यार, आप लोग भी बोर हो जाओगे और मैं ढंग से बात भी नहीं कर पाऊंगा, पूरा टाइम डिस्ट्रैक्ट होता रहूंगा। और मैं नॉर्मल चला ही रहा था रोड पे, अचानक से भाई एक बूढ़ा इंसान में बहुत तेज भाग भाग के आता है भाई, अगर मेरी ब्रेक नहीं लगती लिटरली गाइस अभी क्रैश हो जाता, बहुत ही गंदा वाला क्रैश। 390 के अंदर ब्रेकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है लिटरली यार, अगर नहीं होती यार वो पता नहीं है कि क्या हो जाता। एंड इंडिया में क्या होता है ना, पब्लिक वगैरह ये नहीं देखती किसकी गलती है, पब्लिक वगैरह मोस्टली ये देखती है कि नहीं यार इस बंदे के पास स्पोर्ट्स बाइक है तो इसकी ही गलती होगी, आगे वाले की गलती हो ही नहीं सकती। और अगर आगे वाला ओल्ड पर्सन हो भाई तो फिर तो उसकी कोई भी गलती नहीं, गलत हो तुमने ही गाड़ी ठोकी और जानबूझ के ठोकी है। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई हम बाइकर्स का ना इस मामले में कोई नहीं होता, ठीक है, हम बाइकर्स को हमेशा इस मामले में टारगेट किया जाता है, अगर तुम्हारी गलती नहीं भी होगी ना तब भी। एक बंदर दूसरे बंदर के साथ क्या कर रहा था भाई, गलती चीज़ देख ली मैंने अभी। मज़ेदार लीन्स होते हैं ना गाइस, अगर लीन्स वगैरह मारने हैं ना आप लोगों को थोड़ा सा ग्लव्स और हेलमेट लगा के मारो यार, थोड़ा सेफ्टी सही रहती है, कम से कम गिरोगे बच तो जाओगे। गाइस आप लोगों के लिए एक और चीज़ बता दूं यार, मैं जल्दी से अपने टायर्स और अपनी राइडिंग जैकेट नहीं लेने वाला हूं, टायर्स मैं लेने वाला हूं अपोलो H1 के या फिर मेटजिलर के। अब मेरा मन तो यार अपोलो H1 का कर रहा है क्योंकि यार बजट वाइज अच्छे हैं, 10,000 या 9,000 के करीब आपको पड़ जाते हैं, मेटजिलर आपको पड़ते हैं 13,000 के, तो दोनों ही सही लगते हैं मुझे, उतना कोई दोनों में दिक्कत नहीं लगता है। और दूसरी चीज़ अपनी राइडिंग जैकेट, मैंने पहले ही बोला था कि मेरे को राइडिंग जैकेट लेनी है क्योंकि यार मेरी जो BBG वाली है उसको 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 2 या 3 साल शायद हो गए होंगे उसको, तो मेरे को चेंज करनी है। एंड वो मैं लूँगा भाई शीमा की राइडिंग जैकेट मेरे को पड़ जाएगी यार 15-16 हज़ार की पड़ जाएगी, जो मैंने चूज़ कर रखी है। मैं आपको इमेज भी यहाँ पे दिख जाएगी यार, अगर नहीं दिखती इमेज शायद मैं भूल जाऊँगा फिर एडिट करते टाइम पे। दो ऑप्शन है चूज़ करने के राइडिंग जैकेट में से, एक तो भाई शीमा ब्रांड है और दूसरा ब्रांड आता है DSG का। तो DSG के अंदर
ये सीन है कि यार डीएसजी आपको बजट वाइज सस्ता पड़ जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट 10-11 हज़ार का आपको डीएसजी पड़ जाता है, बट जो सीमा है, सीमा आपको 15 से 16 हज़ार के बीच में रेंज में पड़ जाता है, मतलब 16 हज़ार ही मान के चलो, 16 हज़ार का आपको पड़ जाता है, तो डीएसजी से थोड़ा महंगा पड़ता है। और महंगा क्यों पड़ता है, बेसिकली उसके अंदर आपको टेक्नोलॉजी डाइनीसी यूज़ करती है, उससे थोड़ा बहुत मैच करता है सीमा के राइडिंग जैकेट, बहुत ही स्किन टाइट रहते हैं, तो आपको बड़ा सा ना रेसिंग सूट वाला आता है फील, या डीएसजी आपको ना पूरा वैसा रेसिंग सूट वाला फील ढंग से नहीं दे पाता। सिद्रा में एक बार यार बड़े ऐसे सूट हो जाए ना यार, 0 to 100 बना लूँ, 100 भी नहीं यार, मतलब जितना ऊपर जा सके मैं बनाऊंगा, टॉप स्पीड ट्राई करूंगा टच करने की, एंड वो जब हो जाएगा उसके बाद यार तुम्हारा भाई इस पे स्टिकर करवाएगा, तो बने रहो यार, पूरी वीडियो मजा आने वाला है। जिन लोगों ने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया भाई लोग यार कर लो यार, क्या दुश्मनी है यार हमसे, इतना अच्छा बाइकर मिल रहा है तुम्हें यार जम्मू कश्मीर से, सब बाइकर जम्मू कश्मीर में अच्छे थोड़ी होते हैं। तबाही भाई तबाही, सीनरी ऐसी हो, लीन ऐसी हो, और बाइक ऐसी हो, और बंदा ऐसा ऊपर बैठा हो तो क्या ही बात है। तो तुम्हारा भाई जो है ना हाईवे पे आ चुका है, हाईवे कौन सा यार, जम्मू कश्मीर हाईवे है, कश्मीर टच कर जाता है, एंड तो इतने सारे टनल्स बन चुके हैं, तो यार आप 3-4 घंटे में भी कश्मीर आराम से पहुंच सकते हो। तो हाईवे पे क्विक शिफ्टर यूज़ नहीं है तो कहां पर गया, तो आपको मैं दिखाता हूं थोड़ा क्विक शिफ्टर का भी प्रदर्शन। ये चौथे गियर पे मैं क्लच नहीं टच कर रहा, ये गया ऊपर, भाई साहब क्रेजी पावर भाई, 390 तो है ही भाई, पॉकेट रॉकेट यार, मजा आ जाता है इसको चलाने के बाद में, कभी भी चलाओ यार आप इससे ना, आपका मन नहीं भरता कभी इससे, चाहे आपका R15 से मन भर सकता है, बट 390 से कभी भी मन नहीं भरेगा, इसकी जो पावर है ना वो एक बीस्ट लेवल की पावर है। देखो फिर कर्व के ऊपर भाई क्विक शिफ्टर यूज़ करना अलग ही लेवल है यार, इतनी पावर का क्या ही करोगे यार, मतलब ये कि सिटी राइड्स के लिए बहुत ओवर पावर हो जाती है, हाईवे राइड्स के लिए काफ़ी है यार ये बाइक, अगर आपको सुपर बाइक नहीं है आपके पास आप 390 के लिए जा सकते हो। अब तुम्हारे भाई को स्टार्टिंग से सुपर बाइक्स की आदत लग चुकी है, एंड एक बार होता है ना कि शेर के मुंह पे खून लग गया, तो भाई तुमने वो डायलॉग सुना ही होगा भाई मिर्ज़ापुर का, शायद मिर्ज़ापुर का ही था वो, ये है दिल्ली 8C, DL 8C कहाँ का नंबर है, ओ इन बाइक का तो नंबर प्लेट ही टेढ़ा रखा है, MH05। क्या बात है क्या बात है, मज़ा आ गया भाई, रिएक्शंस भी तगड़े तगड़े मिल रहे हैं। ये IIT है शायद, हाँ IIT जम्मू है भाई, ये लोग देख रहे हो, अरे जम्मू भी अच्छा खासा डेवलप्ड है यार, IIT मिल रखा है, अब यहाँ पे आगे जाके मेट्रो बनने वाली है, और क्या चाहिए आपको। बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे हैं कि कश्मीर की राइड पर क्यों नहीं जा रहे हो, कश्मीर जाना चाहिए आपको। भाई देखो कश्मीर का राइड मेरा बहुत पहले से प्लान था, और मेरा कुछ दिन पहले ही प्लान बन गया था कि यार देहरादून जाने से पहले मेरा प्लान था ही कश्मीर जाने का, बट एक सीन ख़राब होगा कि वहाँ पर यार बहुत गंदे सिचुएशन है, अगर आप लोग न्यूज़ नहीं देख लेते तो मैं आपको बता देता हूँ, एंड बहुत सारे आप में से लोगों को ये नहीं पता होगा कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ। कश्मीर में जो यार सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, एंड बहुत ही गंदा सीन है, तो उस चक्कर में यार मैं नहीं जा सकता, ऊपर से यार मैं एज अ कश्मीरी पंडित मेरे लिए ज़्यादा रिस्क है वहाँ पर जाना। सिचुएशन को एनालाइज करते हुए मैंने ये सोचा कि यार थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जान है तो जान है भाई, अगर जान ही नहीं रहेगी तो क्या फ़ायदा भाई, फिर कौन सी राइडिंग करूँगा मैं। हमारे सिद्धांत भाई को तो आप पहले से जानते होंगे, स्टार्टिंग से हमारी वीडियोस में आते रहे हैं, एंड इनके पास है इनकी डोमिनार जो कि मॉडिफाइड है, डोमिनार 400। लाइट देख रहे हो भाई क्या जबरदस्त, इसमें पानी भर गया क्या, थोड़ा सा। अच्छा तो भाई हमारे पास लाइट्स मॉडिफाइड है, क्रैश गार्ड मेरे वाले मॉडिफाइड है, देखो भाई ने ये लगा रखा है, फ़ोन होल्डर, सबसे बेस्ट चीज़ दिखाता हूँ, सबसे बेस्ट चीज़ तो भाई ये भाई तगड़ी चीज़ लगा रखी है, इसके ऊपर ना 4 बंदे बैठ सकते हैं पीछे। तो बेसिकली सीन ये कि यार हम लोग थोड़ा सा ना टॉप स्पीड चेक करने वाले हैं, या तो 0 to 100 का तो आपको दिख जाएगा, तो जितना टॉप स्पीड हो सकता है उतना डालने का ट्राई करेंगे इस हाईवे पे, बाकी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो हमने ग्लव्स और हेलमेट वगैरह सब पहन लिए है, बाकी तो आप प्लीज़ मत ये ट्राई करना यार अपने साइड पे, अगर ट्राई कर रहे हो तो बिल्कुल सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ, मैं चीज़ें प्रमोट नहीं कर रहा, बस आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन दे रहा हूँ कि आराम से चलो, इतना भी कोई जल्दी नहीं है, बस आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यार मैं आपको दिखा देता हूँ कि यार 390 में कितनी पावर है, एंड इसमें ना बैटरी बड़ी कम है, जितना व्लॉग हो सकता है उतना बनाएंगे, बाकी देखते हैं अगर बैटरी और चार्ज वार्ज हो पाए तो कर देंगे, और क्या दिक्कत है। क्या लगता है डोमिनार 400 आगे जाएगी या फिर ड्यूक 390, क्या पता चली जाए। जा भी सकती है भाई, डोमिनार के भी अपने जलवे हैं, 390 के भी अपने जलवे हैं।
भाई साहब तबाही। ये मैंने फिफ्थ गियर पे पूरा लिमिट खींचा है, सिक्स गियर में जा नहीं रहा था क्योंकि यार आगे ट्रक आ रहे थे, तो फिफ्थ गियर पे इतनी जाती है। तो यार मैं गोप्रो में घर पे जाके चेक कर लूंगा कि कितनी गई है यार, फिफ्थ गियर पे मैंने ढंग से देखा नहीं है। इतना मेरे को पता था कि 145 शायद से टच कर दिया है फिफ्थ गियर पे, उसके ऊपर भी शायद गई होगी, घर पे पता चलने वाला है। आर 15 की टॉप स्पीड भी 150 चली जाती है, बट ये बात होती है कि कौन कितनी जल्दी पहुंचा देता है। चौथा गियर 125, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, चौथे गियर में 125 खींच ली भाई भाई ने। एंड मैंने पता है वाइट वाला इसमें डिस्प्ले स्लैश लगा रखा है ताकि आप लोगों को क्लियरली दिख जाए, कोई दिक्कत ना है आप लोगों को। ओ भाई यार क्या व्यू है भाई, सनसेट के टाइम पे इस साइड आओगे ना तो आप लोगों को इतना मजा आने वाला है, क्योंकि यार जम्मू की सुंदरता ना हर जगह फेमस है। ये देख रहे हो यहाँ से भाई कौवे चील वगैरह सब जा रहे हैं और नीचे एक रिवर जा रही है, और यार यहाँ पे आप कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हो, बस ध्यान रखना कि बाढ़ बूढ़ ना आ जाए तगड़ी वाली, क्योंकि यहाँ ना पानी पूरा फुल हो जाता है कभी कभी। तो सिद्धांत भाई और मैं जो है आगे कहीं रुकेंगे, थोड़ा खाना पीना करेंगे, और भाई बाइक के साथ साथ अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखना पड़ता है। सिक्स गियर में जितना मुझे लग रहा है भाई 170 तो आराम से खींच जाएगी, जब 148 अगर इसमें फिफ्थ गियर में खींच रही है तो एक और गियर बचा हुआ था भाई अपने पास। आई होप यार आप लोगों को आज के ब्लॉग में मजा आया होगा। एंड ठंड शुरू हो गई भाई, यहाँ पर कब से इतनी ठंड होने लगी यार, जब से मैं देहरादून से आया ना मेरे को ना लग रहा है कि यार यार जम्मू में ठंड बढ़ गई है। बाकी कश्मीर वगैरह साइड तो ठंड बढ़ ही चुकी है, बर्फ बर्फ पड़ चुकी है कश्मीर साइड पे, बट अब जम्मू में जो है इधर भी असर दिखने लग गया है। अब से मुझे मोटे कपड़े पहन के राइड करना पड़ेगा भाई, मेरे को अब ठंड लग रही है। क्या लुक लग रहा है यार अपने सिद्धांत भाई की बाइक का, ना डोमिनार 400 है बट दूर से लग नहीं रही है डोमिनार, ऐसा लग रहा है डियाबल वगैरह। वापस आते आते अगर अंधेरा हो गया भाई फिर तो गंदे लगने वाले भाई मेरे। हम जा रहे हैं यार जम्मू कश्मीर का जो हाईवे सीधा सीधा अगर जाएंगे तो कश्मीर पहुंचेंगे, बट हमें ज्यादा आगे नहीं जाना, मुश्किल से 10-15 किलोमीटर आगे जाएंगे, थोड़ा खाना पीना कहीं पे खाएंगे। GoPro की बैटरी थोड़ी सी कम रहती है, मुश्किल से 5-10% रहती होगी, तो अभी मैं आप लोगों से अलविदा चाहूंगा। अगर आगे नहीं बोल पाए तो अभी सुन लो यार, तो सब्सक्राइब का बटन यार दबा दो, तोड़ दो, जो करना कर दो उसके साथ, बस सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार। बड़ा मोटिवेशन मिल जाता है यार आप लोगों की जब स्टोरीज इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड होती हैं कि यार फर्स्ट व्यू सेकंड व्यू ऐसे करके इतने टाइम बाद राइड कर रहे हो ना अपने दोस्त के साथ में, आपकी बेस्ट फ्रेंड आपका बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर हो और आपका बढ़िया दोस्त साथ में आ रहा हो और खुद भी इतने बढ़िया राइडर हो, और क्या चाहिए यार आपको। बहुत लोग बोलते हैं कि यार आपकी बाइक मैटर करती है, भाई बाइक नहीं मैटर करती यार, जब तक आपके पास कोई भी बाइक है और दोस्त है बढ़िया और क्या चाहिए आपको। एंड यहाँ पे हमें भाइयों से मिल रहा है कुछ रिएक्शन जो आगे गाड़ी में बैठे हैं, भाई क्या रिएक्शन है, इतने अच्छे रिएक्शन और आपको कहाँ मिल सकते हैं। आगे जो गाड़ी में ना तीनों लौंडे बैठे ना, तीनों के तीनों से देख रहे हैं, तीन नहीं चार हैं कि ये कौन सी बाइक जा रही है, अब हमने इतनी मॉडिफाई भी कर रखी है, सुपर बाइक से कम थोड़ी लगती है ये। तीन क्या बात है कहाँ आगे रुके, चलो आगे रुकते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मिरर बड़े घटिया से लग रहे हैं, हाँ मानता हूँ भाई थोड़े घटिया लग रहे होंगे, सबसे पहले हमारी सेफ्टी आती है। मेरे को सिर्फ इन मिरर्स में ढंग से पीछे का थोड़ा बहुत दिख रहा था, बाकी मिरर्स में कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो इंस्टेड ऑफ कि यार मैं ब्लाइंड हो जाता मिरर के चक्कर में, यहाँ उधर लेना क्या। तो भाई हमसे पूछ रहे थे कि कहाँ की तैयारी हो रही है, अगर आप जम्मू के हो और अगर जम्मू कश्मीर के किसी हाईवे पे यहाँ पे साइड पे आप बाइक रुक रहे हो तो कोई ना कोई भाई पर्सन आपको पूछेगा ही कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ की ट्रिप है, और हमारी बाइक्स भी इतनी मॉडिफाइड रहती है तो लगता है कि बहुत दूर के लिए जा रहे हैं हम लोग। बाय बाय बोलते क्या व्यूअर्स को, ओके बाय बाय व्यूअर्स, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं अगली राइड पे। तो गाइज मेरे को रिकमेंड करो कि मेरे को कौन सी यहाँ पे लगानी चाहिए, जो यहाँ पर गोल बढ़िया सी ना प्रोजेक्टर हेडलाइट्स होंगी, रिकमेंड करो मैं वो ट्राई कर दूंगा यार। और अभी एग्जॉस्ट भी जल्दी लगने वाला है, शायद इस हफ्ते के अंदर अंदर लगा दूंगा, मैंने बेंड पाइप मंगा रखी है, फुल सिस्टम नहीं करेंगे, स्लिप ऑन करेंगे अगर बढ़िया लगती आवाज़, उसके बाद अगर बढ़िया नहीं लगती तो जाके फुल सिस्टम का सोचेंगे, बट अभी के लिए तो यार हम स्लिप ऑन लगाएंगे, क्योंकि यार इंजन के लिए ना उतना ज़्यादा सही भी नहीं रहता अगर आप फुल सिस्टम लगाते हो। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।